लोग कहते हैं स्कूल एक अच्छी जगह है, गलत कहते हैं। स्कूल तो वो जन्नत है जहाँ खीर से मीठे यादें और हीरे से अमूल्य दोस्त मिलते हैं, पर थोड़े से कमीने होते हैं। सुबह होते ही मास्टर की लंबी चौड़ी स्पीच सुनते हैं और वही स्पीच हमें जिंदगी की ओर खींचते हैं। जब बात हो रही हो स्कूल लाइफ की और टीचर की बात ना हो, कैसा कभी हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं साइंस टीचर से ही। रिस्पेक्टेड साइंस टीचर, सबसे ज्यादा वक्त आपके साथ निकाला है, सुख हो या दुख मिलके निभाया है। आपकी हमारी बॉन्डिंग लाइक कार्बन हाइड्रोजन, जो बनती तो आसानी से है लेकिन टूटती नहीं। आपका डंडा दिखाकर प्यार जताना, कभी हंसते हुए मार खाना और कभी दूसरों को भी हंसाना, याद आता है वो दिन। लेकिन क्या करें, हमारी जिंदगी लाइक वैक्यूम आपके बिन। हिंदी के टीचर के अलग ही उल्लेख, उनकी कृपा से ही लिख पाया हूँ ये पूरा लेख। हमेशा गंभीर और छोटी सी स्माइल, हंसने वाली बात पर भी डिनाई करती स्माइल। पता नहीं क्या सोचते थे, शायद अपनी स्माइल छुपाकर ट्रिक दिखाना चाहते थे, पर शायद उनको पता नहीं हमें भी एक्सप्रेशन पढ़ने आते थे। मैथ्स के टीचर के अलग ही अंदाज, एक क्वेश्चन और रात भर की सारी मेहनत बर्बाद। सर माना कि हम थोड़े शरारती थे, थोड़े नादान, और वही आपकी छड़ी और हमारी नन्ही सी जान। सोशल साइंस के टीचर की बात निराली, एक छोटी सी मैप से पूरी दुनिया की सैर करा डाली। लगते जैक स्पैरो और हम उनके क्रू, जब कभी दिमाग गरम, डंडा कहाँ है जी लाओ तुम। डियर इंग्लिश टीचर, जो आज अब्सेंट है, कभी प्रेजेंट तो कभी पास, कि कभी प्रेजेंट तो कभी पास तो कभी फ्यूचर बना देते, टाइम मशीन से भी ज्यादा पास बच्चों का दिमाग बना देते। चलो अब आपको यादों की शहर करा दूं। याद आएगी वो असेंबली की स्पीच और तीस सर की ताली, कि याद आएगी वो असेंबली की स्पीच और तीस सर की ताली, वो प्रिंसिपल सर का शोर होने पर डांटना और वो प्री पीरियड में भी ममता मैम का टेस्ट लर्न करवाना। याद आएगा वो नेहा मैम की स्माइल और तीस सर की स्टाइल। चलिए इस प्यार पल को और यादगार बनाते हुए मैं आपके सामने कुछ शायरी बोलने जा रहा हूँ। सो आपसे यह अनुरोध है कि बुरा न माने और शायरियाँ सुने और मजा लें। सबसे पहले मैं अपनी ही क्लास के बनी दोस्त यानी विवेक के लिए शायरी लेकर आया हूँ। दिल की तमन्ना है कि तुझे पलकों पर बैठा दूं, दिल की तमन्ना है कि तुझे पलकों पर बैठा दूं, लेकिन तू 72 किलो का है, इस बात को कैसे संभालूं। अगली शायरी मैं अपनी क्लास के कमजोर बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, जैसे आयुष, आदित्य और एक दो तीन चार छः की, एक दो तीन चार छः पाँच कहाँ गया, हड्डियां हड्डियां दिखती है, मांस कहाँ गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक अंतिम शायरी 9th क्लास के लिए कहना चाहूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद।